सुप्रभात प्यारे बच्चों, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस हिंदी की कक्षा में हम मृदुला गर्ग द्वारा रचित पाठ दो मेरे संघ की औरतों के विषय में पढ़ेंगे। आज मैं पुनरावृत्ति के तौर पर इस पाठ के सारांश के बारे में आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। लेखिका द्वारा लिखा गया यह संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों अर्थात अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी चार बहनों के बारे में बताया है। उन्होंने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थिति से भी परिचित कराया है। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती है कि वे अपनी नानी को नहीं देख सकी थी, क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी शादी से पहले ही हो गई थी। वे बताती है कि उनकी नानी अनपढ़ पर्दा करने वाली महिला थी और उनके पति शादी के तुरंत बाद ही घर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारे लाल शर्मा को बुलवाकर कहा कि वे अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से कराना चाहती हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ता हो। उनकी इच्छा अनुसार ही लेखिका की माँ का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक अनहार लड़के से कर दिया गया। इसी कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जाग जाग कर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती थी। वैसे भी लेखिका की माँ कमजोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती, लेकिन माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी और ना ही दूसरों की गोपनीय बातों को किसी और को बताती थी। इस कारण घर और बाहर दोनों ही जगह उनका मान सम्मान रहता था। लेखिका की परदादी भी थी जो सदैव लीक से हटकर चलकर कार्य करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और ये बात सभी को बता दी। एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में बाहर गए थे और औरतें रत जगा कर रही थी। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस गया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट आते ही परदादी की आंख खुल गई, चोर डर गया। तभी परदादी ने जोर से पानी मांगने से कहा। चोर पानी लाते समय उन्होंने चोर को पकड़ लिया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़कर खेती करने की सलाह भी दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। लेखिका कहती है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड का बुखार था। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स कारमजोब नामक उपन्यास पढ़ने को दिया और लेखिका ने उस उपन्यास को बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी नानी, माँ, परदादी के बारे में बताती है। वे अपनी बहनों के बारे में बताते हुए कहती है कि उसकी सबसे बड़ी बहन मंजुल थी, जिसे घर में रानी कहते थे। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग के नाम से लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद की दो बहनें रेनू और चित्रा लेखन में कार्य से बची रही। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उनकी तीसरी बहन रेनू बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। उसे अपने कम अंक किंतु उसे पढ़ने वालों से अधिक अंक आते थे। वे बहुत दृढ़ निश्चयी थी, इसीलिए उसने अपने पसंद के लड़के से शादी भी कर ली। उस सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी भी कर ली। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। यह सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग बैठते थे, लेकिन वहां उन्होंने मर्द औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया और सारा पैसा अकाल राहत कोष के लिए इकट्ठा भी कर लिया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहां उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाले एक विद्यालय को खोला और उस विद्यालय को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवा दी। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का
मजा ही कुछ और है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि स्त्रियां किसी से भी कम नहीं होती हैं। यदि नारी शक्ति को हम देखें तो वह विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है। तो हम सभी को अपने जीवन में नारी का सम्मान करना चाहिए और लीक से हटकर चलने की हिम्मत जुटानी चाहिए।